हेलो गाइस, माय नेम सौरभ एंड यू आर वाचिंग सोनू नाइन यूट्यूब चैनल। हाँ गाइस, अगर आपको हमारा चैनल पे कोई भी वीडियो पसंद आए या फिर ये तो पहली वीडियो, तो प्लीज़ यार सपोर्ट कर दो। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साइड में मिला बेल आइकन उसको भी दबा लें, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप सबसे पहले देख पाएँ। हाँ दोस्तों, आज हम आपके सामने रिव्यू यूनिट है नोकिया 5.1 प्लस। हाँ दोस्तों, हम आपके सामने इस जो मोबाइल का जो रिव्यू करेंगे, पबजी बैटरी टेस्ट या फिर सभी टेस्ट हम करेंगे, स्पीड टेस्ट, क्या कुछ इस मोबाइल का परफॉर्मेंस है। तो प्लीज़ वॉच फुल वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। तो लेट्स वीडियो स्टार्ट। हाँ गाइस, सबसे पहले हम आते हैं बिल्ड क्वालिटी पे। हाँ दोस्तों, फर्स्ट इंप्रेशन में आपको जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस जो है मोबाइल यूज़ करने में देगा। हाँ गाइस, यहाँ पर हमको देखने को मिलता है एक नोकिया की ब्रांडिंग, और नीचे की ओर हमको देखने को मिलता है एंड्रॉयड वन, जो एंड्रॉयड वन पे ये बेस है, और कुछ अनदर इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर हमको देखने को मिलता है। ऊपर की ओर हमको देखने को मिलता है यहाँ पर एक फिंगर सेंसर एंड एक डुअल कैमरा एंड सिंगल फ्लैश लाइट में हमको ये देखने को मिलता है। ओ गाइस, हम फ्रंट साइड में हमको देखने को मिलता है एक 5.7 इंच का जो डिस्प्ले, जो नोच के साथ हमको देखने को मिलता है, जो काफ़ी अच्छी बात है। और गाइस, कैमरा एंड यहाँ पर एक स्पीकर हमको देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी के लिए नोकिया दोस्तों पैस स्टार्टिंग से ही जाना जाता है, जो बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी जो नोकिया देता है। दिस साइड हमको देखने को मिलता है गाइस सिम इजेक्टर टूल, जो सिम इजेक्टर का वो टूल होता है, जो ये वाला है दोस्तों गाइस। और ऊपर की ओर हमको देखने को मिलता है हमारा प्यारा दुलारा 3.5 mm हेडफोन जैक। दिस साइड हमको देखने को मिलता है दोस्तों एक वॉल्यूम अप एंड डाउन बटन एंड पावर अनलॉक बटन। नीचे की साइड हमको देखने को मिलता है एक USB टाइप सी जैक एंड स्पीकर ग्रिल एंड एक माइक देखने को मिलता है। तो गाइस, फिलहाल हम पबजी टेस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं करता हूँ पबजी मोबाइल ओपन, एंड साउंड क्वालिटी जो आपको देखने को मिलती है वो काफ़ी अच्छी देखने में मिलती है। मुझे इस मोबाइल को 20 डेज के करीब हो गया यूज़ करते वक्त, पबजी में जो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस ये मुझे दे रहा है। तो गाइस देख सकते हैं लोडिंग हो रहा है। तो मैं TDM का जो मैच लगा देता हूँ, और शायद इतना अच्छा प्लेयर मैं नहीं हूँ। जो 60 सेकंड पे जो ये लोड हो जाता है, तो गेम प्ले स्टार्ट हो गया। गेम प्ले जो स्टार्ट हो गया, तो 1 किल मैंने कर ही दिया है। जो खेलते वक्त जो आपको काफ़ी अच्छी जो फील देगा ये मोबाइल। हाँ गाइस, ये लैग बिल्कुल भी नहीं कर रहा, आप देख सकते हैं। तो गाइस, अनस्टॉपेबल हो गया है, 4 का कॉम्बो जो मेरा हो गया है।
लैग बिल्कुल भी नहीं कर रहा है दोस्तों। मैं अब आपके सामने HD और ग्राफिक्स भी चला के दिखाऊंगा किस तरह की ग्राफिक देता है ये मोबाइल। ग्राफिक भी चला के दिखाऊंगा एक बार। तो साथ में वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसलिए मैं कुछ अच्छी तरह से नहीं खेल पा रहा हूँ। जो कॉम्बो मेरा 4 का दोबारा से हो गया है। ठीक है जो मेरा कॉम्बो हो गया यार जबरदस्त कॉम्बो हो गया है। एक का जो मेरा कॉम्बो हो गया है काफी अच्छा कॉम्बो हो गया जो मेरा एक का। तो हम जो विनर हो गए हैं तो ओनली 1 किल जो अभी रहता है जो विनर हो गया। मैंने जो 9 का कॉम्बो जो कर दिया है और फिलहाल मैं अभी आपके सामने जो HD में जो MVP प्लेयर मैं ही हूँ का ही देख सकते हैं। और फिलहाल मैं अभी इसका ग्राफिक्स आपको दिखा देता हूँ कि किस तरह की ग्राफिक्स में ये कैसा आपको जो एक्सपीरियंस देगा पबजी यूजिंग में। तो गाइस देख सकते हैं जो कलेक्ट कर लेता हूँ मैं और आगे भी मैं आपके लिए मोबाइल की रिव्यू जो लाता रहूँगा जो सेटिंग्स पे जाता हूँ और उसके बाद ग्राफिक्स पे क्लिक कर देता हूँ और उसके बाद जो मैं फिलहाल HD पे क्लिक करता हूँ। HD सपोर्ट करता है और HDR जो सपोर्ट नहीं करता तो मैं फिलहाल HD पे रहने देता हूँ और जो इसको हाई कर देता हूँ और उसके बाद सिंपली मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ और कट करके और एक बार दोबारा से मैं जो पबजी प्ले करता हूँ। तो गाइस 1% भी जो हमको लैग नहीं लग रहा है फिलहाल जो पबजी में जो पबजी यूजिंग में आपको ये मोबाइल जो काफ़ी अच्छा जो एक्सपीरियंस देगा। और जो हीट होने के बाद दोस्तों मिनिमम 30°C तक ये चला जाता है पबजी में अगर आप कमरे में कोई फैन वगैरह ना हो। अगर आप AC के साथ हो तो गाइस ये बिल्कुल कूल रहता है मोबाइल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो गाइस मैं पहले ही कहता था मुझे पबजी खेलना नहीं आता इतना अच्छा। हाँ गाइस 1% भी लैग जो आपको देखने को नहीं मिलेगा फिलहाल मोबाइल में HD में। अगर आप HD ग्राफिक्स में यूज़ करेंगे तो काफ़ी फिर भी काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा से आपसे मिलेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक मिलेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद।